खबर संकलन करने के दौरान पत्रकारों के ऊपर रौब झाड़ते नजर आए सरपंच सचिव। डभरा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सुखदा में खबर बनाने गए पत्रकार को रौब झाड़ते नजर आए सरपंच एवं सचिव। जब पत्रकार द्वारा पूछा गया कि अभी तक आपके पंचायत भवन में रंग पुताई क्यों नहीं हुआ है और पंचायत भवन जर्जर है, इसका मरम्मत नहीं हुआ है, तो सरपंच द्वारा बताया गया कि कार्य को जल्द ही कराया जाएगा और मनरेगा के अंतर्गत कितना काम हुआ है, तो सरपंच और सचिव द्वारा बताया गया कि तालाब का गहरीकरण हुआ है और स्कूल के सामने एक छोटा सा कूड़ादान बनाया गया है जो कि ग्रामीणों के उपयोग में नहीं आ रहा है। जब पूछा गया कि 14 विप का क्या क्या करवाया गया है तो बताया गया कि अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है, गौठान एक माह पहले आ चुका है लेकिन अभी कार्य प्रगति पर है। यहां पर पूरी तरह से सरपंच और सचिव की दादागिरी देखने को मिली और 23 जुलाई 2020 से लॉकडाउन लागू हो चुका है जिसमें सरपंच सचिव कुछ ग्रामीण बिना मास्क के नजर आए। तो आपके ग्राम पंचायत जो है ना, तो कैसे रंग नहीं लगा आपके पंचायत में? अभी तक ग्राम पंचायत में रंग इसलिए नहीं लगाया कि जर्जर है अंदर, इसलिए उसको एस्टिमेट बनाकर उसके बाद उसको प्लास्टर करवा कर रंग लगाना चाहते हैं। तो अभी तक हर सरपंच सचिव मतलब लगा चुके हैं हर पंचायत में, अभी तक नहीं लगा है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? इसके बारे में अभी तक हर सरपंच लगा चुका है, सरपंच द्वारा मरम्मत हो चुका है, लगवा चुके हैं रंग अच्छी तरह से, आपके पंचायत में क्यों नहीं लगा? स्टार्ट किए हैं लगाने के लिए सभी, आप लोग देख सकते हैं अभी आंगनबाड़ी वहाँ अभी अभी वहाँ भी रंग लगवाए हैं, उसके बाद इसको भी लगवाएंगे। कब तक लग जाएगा सर? तकरीबन आप 10 दिनों के बीच में लग सकते हैं। 10 दिन तक लगेगा? तो कितने आदमी था आपके यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में? क्वारंटाइन सेंटर में 135 आदमी। 135 सब निकल गए? सब निकल गए, अभी दो आदमी फिर आए हैं। दो आदमी फिर आए? तो जो पुराना निकल चुके उनके बिल बिल पर आग के ऊपर जमा कर दी हो? अभी जमा नहीं हुआ। जमा नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ। ऐसा क्यों सर, सभी सरपंच कर चुके हैं अभी तक? अभी तक कोई भी सरपंच जमा नहीं किए हैं, कुछ सरपंच जमा किए हैं, बाकी सरपंच का अभी बचा हुआ है। सर हम लोग पंचायत में घूम चुके हैं, आप इसके बारे में आपको क्या कहना है? अभी तक तो मैं अभी जमा नहीं किया हूँ। नहीं किया और आने वाला था सर बाहर से प्रवासी, इसलिए नहीं किया। मतलब तो अभी तक आपके गांव से कितने लोग बाहर हैं? अभी तक तकरीबन 100 ऊपर बाहर हैं। तो 14 तक क्या क्या करवाया था? 14 तक से अभी मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, अभी जो भी काम हुआ है अभी तो जो पुराना था वही काम चल रहा है। तो मनरेगा में क्या क्या करवाया? मनरेगा में तालाब गहरीकरण हुआ और एक घर सब। तो जैसे कि सरपंच महोदय का कहना है कि अभी तक मतलब पूरा रंग अभी स्टार्ट हुआ है ना, इतने दिनों के बाद जो कि आप देख सकते हैं रंग भी नहीं लगा है पंचायत में अभी तक, है ना। और सचिव से भी जानते हैं हम लोग क्या है पूरा खास बाहर का वहाँ पर। तो सर ये बताइए हम लोगों को अभी तक कि आपके पंचायत में रंग क्यों नहीं लगा? ये मरम्मत हो गया, मरम्मत के लिए हम लोग भैया प्रपोजल बना के जैसे सुविधा हो जाएगा उसको मरम्मत करके उसको रंग किया जाएगा। तो इतने दिन से क्या कर रहे था जो अभी तक नहीं करवाया? सुविधा कहाँ मिला है हम लोग? तो सीरियस बात नहीं की आप लोग? देखिए प्रपोजल दिए हैं, इंजीनियर को बताए हैं, इंजीनियर आया था वो सर्वे करके गया है, प्रपोजल बना रहा है, जैसे सुविधा हो जाएगा तो उसको जहाँ भी मरम्मत कर सकता है मरम्मत करते उसको पेंट भी किया जाएगा। तो कितने आदमी था आपके यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में? 135 सब निकल गए? निकल गए। तो सरपंच महोदय तो बोल रहे थे कि अभी आ रहे हैं, अभी आ जाए, दो आदमी आ जाए, दो आदमी आ जाए। आओ तो खाना पीना क्या क्या देते हो सुबह शाम? दाल चावल सब हरा सब्जी वो लोग खाना देते हैं, हम लोग उनको मतलब राशन उपलब्ध कराते हैं। वो लोग बना के खाते हैं? बना खाते हैं, बना खाते हैं। तो हमें क्या क्या करना है? तालाब गहरी कांड और मिट्टी मुर्ग रोड और दो ही काम। तो अभी तक कूड़ा डाल क्यों नहीं बनवाया है? एकदम प्रगति में है, लास्ट स्टेज में आ रहा है। तो गोठान उठान आया कि नहीं? उठाना गया है, रेडी है, रेडी हो गया पूरा। तो 14 तक का क्या क्या करवाए? 14 में अभी तो कुछ नहीं किया है, अभी मतलब बैठा बैठक भी कोरोना में नहीं था, सभी के लिए भेजे हैं। इसमें स्कूल में सारे मतलब हैंडपम्प फॉर्म डाल के इसमें पाइप टंकी लगाया जाएगा और दो ठो मोटर के प्रपोजल भेजे हैं और नाली के लिए भेजे हैं, दस्तावेज एस्टिमेट बन रहा है। तो अभी तक मतलब काम नहीं करवाया? नहीं करवाया, मतलब इस मंजूर से में पिछले पंद्रह सिम हुआ है,
पिछले 15 से हुआ है, इस 15 से भी अभी नहीं हुआ है। तो अभी मतलब अभी तक रंग नहीं चढ़ा आपके पंचायत में, इस बारे में आपको क्या कहना? वही तो बोल रहा हूँ, हम लोग प्रस्तावित करके उसका एस्टीमेट बना के उसको रिपेयरिंग करेंगे, रिपेयरिंग करने के बाद तो रंग चढ़ेगा ना। तो इतने दिन से क्या कर रहे थे? कब से आवश्यकता है जब बैठक पर पंचों प्रस्ताव लिए उसके बाद तो किए हैं। ये सब आपको पहले करवा लेना चाहिए था ना, जब आया काम आपके पास है ना, कुछ कुछ 14 की आया तो आपको करवा लेना चाहिए, क्यों नहीं करवा? इस पर क्या कहना है आपको? फरवरी में शपथ ग्रहण हुआ इन लोगों का, पंचों सपनों का, मार्च से मतलब लॉकडाउन हो गया, उसके बाद तो किए हैं, जैसे सुविधा मिलेगा करवाएंगे। चलो है, उधर से चल रहा है काम, उसके बाद इसको करेंगे, प्लानिंग में है, एक दो दिन चलो स्टार्टिंग हो जाएगा। तो मेरे कहने मतलब है कि अभी तक आप वृक्षारोपण क्यों नहीं किया, उसके बारे में क्या कहना है आप? वृक्षारोपण दो चार किए हैं ना, क्यों वृक्षारोपण किए हैं? कहाँ पे किए? कोठान के पास किए हैं। कोठान कहाँ पर है? वहाँ पर है मतलब लास्ट में। कोठान पूरा तैयार हो गया? हाँ मतलब वो बचा है, मतलब क्या कहते हैं पशु सेट का ऊपर वाला था, बाकी सब रेडी हो गए। देखते रहे 24 न्यूज़, हर पल आपके साथ।